जो लहू से टीके करती है वो हिंद जबानी जिंदा है। मौत मेरी मुट्ठी में लेकिन रुक सकता अभियान नहीं, जब तक जिंदा हूं मर सकता मेरा हिंदुस्तान नहीं। उस सैनिक की ये भावनाएं, उनका परिवार इतना बड़ा बलिदान देकर के आज हमारे यहां उपस्थित हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं जोरदार तालियों से सम्मान करावे। श्रीमती टीमों देवी जी वीरांगना, शहीद धर्माराम जी, श्रीमती रैना चौधरी जी वीरांगना, शहीद प्रेम सिंह जी सारण, श्रीमती भक्तू देवी जी वीरांगना, श्री प्रेमा पिया राम जी थोरी बाजड़ाऊ और श्रीमती मीरा देवी जी शहीद खेताराम जी मुंड, आपका सम्मान। और इस मौके पर एक जांबाज वीर भी हमारे बीच में उपस्थित है, शौर्य चक्र विजेता हनुमान राम जी। मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, इनके अदम्य साहस और कीर्ति की गाथाएं मनोपरांत हम कर रहे हैं, लेकिन आपने भी वह करिश्मा कर दिखाया है जो शहीद धर्माराम जी, प्रेम सिंह जी, पीरा राम जी और खेताराम जी ने कराया। लेकिन आप आज जीवित हैं, हमारे बीच हैं और भारत के राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। श्रीमती भक्तू देवी जी, श्रीमती मीरा देवी जी, मेरा निवेदन रहेगा वॉलंटियर से शीघ्र शहीद परिवारों के सम्मान के उपक्रम को उपस्थित करावे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी शहीद परिवारों का और सभी अतिथि बंधुओं का, बहुत बहुत धन्यवाद। आसन ग्रहण करावे, माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, एक कड़ी भूल गए। सभी अतिथि वृंदों से गुजारिश रहेगी, स्वर्गीय हरलाल जी के परिवार का सम्मान आप सभी संयुक्त रूप से करावे। मूर्ति दानदाता श्री आदुराम जी, लाभू राम जी सरपंच, हेमा राम जी सिया, श्रीमती गंगा देवी जी धर्मपत्नी, स्वर्गीय हरलाल जी, कमला चौधरी और देवी चौधरी बेटिया, बहिन टीपू देवी जी, संयुक्त रूप से आपसे गुजारिश है मंच पर आए और हमारे अतिथि वृंदों से संयुक्त रूप से मान सम्मान और बहुमान करते हुए ये मंच गौरवान्वित महसूस कर रहा है। व्यवस्थागत प्रश्न आ गया बीच में, 30 सेकंड का वक्त चाहता हूँ। एलईडी जहां जहां लगी हुई है उनकी टेबल्स पर काफी लोग चढ़ गए, एलईडी के पर्दे पर आदमी अच्छा लगता है, टेबल पर बैठा हुआ अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। प्लीज उन टेबल्स को खाली करें, जो टेबल्स एलईडी के रखने के लिए है वहां आदमी